मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी के बाद एमपी में सियासत गर्मा गई। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी अब कमलनाथ से सवाल कर रही है कि आखिर ये पैसे कहां से आए। यही बदलाव मध्य प्रदेश में आया है कि 50 जगह आयकर की छापे की कार्रवाई चल रही है, उसमें से केवल एक स्थान पे 9 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है और अभी 50 स्थानों से कितना पैसा बरामद होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कलेक्शन फॉर इलेक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कलेक्शन फॉर इलेक्शन है। एक एक अधिकारी के तीन तीन चार चार तबादले एक एक दिन में किए गए। एक उद्योग केवल चलाया सरकार ने 3 महीने में, 3000 से ज्यादा तबादले किए हैं। ये सारी काली कमाई उसी की है। आए थे कर्जा माफ करने किसानों का और दे बैठे कक्कड़ को मिगलानी को। ये चरित्र है सरकार का और ये दूध का पानी हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार में डुबोना चाहते हैं मध्य प्रदेश के समूचे देश को, इसीलिए सारे चोर चौकीदार से डरे हुए हैं। इंदौर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और कमलनाथ की तस्वीरों पर नोट उड़ा। इन लोगों का आरोप था कि राज्य में तबादला उद्योग चलाकर कमलनाथ के करीबियों ने पैसे कमाए। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके भांजे और उनके निजी सहायक प्रवीण कक्कड़, इनके यहाँ पर आयकर सर्वे की कार्रवाई हुई, जिसका पहले कांग्रेस सरकार ने काफ़ी विरोध करा, काफ़ी तरह की बातें करी, लेकिन आज जब करोड़ों रुपए सामने आए, इंदौर में जो कार्रवाई चल रही है उससे कांग्रेस की रीति और नीति का एक बार पुनः परिचय हुआ। कांग्रेस सरकार ने किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में करोड़ों अरबों का खेल कर दिया। ये कमलनाथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक उद्योगपति है, तो उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग डाला, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री डाली। और आप देख रहे हैं इस आने वाले दिनों में इस तरह से और छापे पड़ेंगे। माननीय मोदी जी जो कि एक चौकीदार है देश के, और वो चौकीदार का विरोध कांग्रेस ही करते हैं क्योंकि कांग्रेसियों को भय था कि इस तरह से उनके काले कृत्य आए दिन खुलेंगे, और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी तो ये एक समुद्र की कुछ बूंदों का खुलासा हुआ है, आने वाले समय में आप देखेंगे इस तरह के खुलासे और भी ज़्यादा होंगे। कमलनाथ और उसकी सरकार के मंत्री थोड़े दिन में ही सलाखों के पीछे होंगे। किस तरह का प्रदर्शन किया जी? देखिए, आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर राजवाड़ा चौक पर एक कमलनाथ सरकार के विरुद्ध आज काली पट्टी बांध करके यहाँ पर प्रदर्शन करा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे और उग्र प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ के करीबियों पर हुई आयकर की ये कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो मोदी सरकार कमलनाथ सरकार को परेशान करना चाहती है। जो सरकार है उससे आग्रह है कि ये जो छापेमारी है आज स्पष्ट रूप से जो है चुनावी कारवां में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के कारवां से 1,80,00,000 रुपया पकड़ा गया, बरामद हुआ। इनके यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? इनके यहाँ जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही? इनके यहाँ भी जानकारी लेना चाहिए। लेकिन जो है किस बाकी एक दल विशेष को छोड़कर बाकी सारे दलों पर इस तरह का जो है काम करके उन्हें बदनाम करने की जो कोशिश है वो अपने आप में लोकतंत्र को हताश करने वाली है और इससे भारत के लोकतंत्र को नुकसान। फिलहाल आयकर विभाग की छापेमारी से एक स्थान पर 9 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी मिली। विभाग के अधिकारी अभी कागजात की छानबीन कर रहे हैं, छानबीन के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।